पे कहते हैं कि हम यादव का नेता है, यहाँ यादव का नेता है, तेजस्वी यादव यादव का नेता है, ये लोग सुनिए पहले, सुनिए, अरे सुनो यार, सुनो पहले, ये लोग जातिवाद भड़काता है, सुनिए मेरे, सुनो यार, तुम जातिवाद भड़काते हो, एक तुम्हारा नेता ठाकुर मुस्लिम करता है, सुनेंगे नहीं, एक इसका नेता है जो ठाकुर मुस्लिम करता है, सुन के हमारे सम्मानित नेता लेता है, सब बात बोलूंगा, कान से खून निकल जाएगा उनको, दिवेचंद ठाकुर जी को, यादव मुस्लिम करता है, चौधरी उप सीएम बनते हुए कुशवाहा के बेटा है, कोई हाथ लगा देगा तो मैं उखा, कुशवाहा में बेटी नहीं है, खाली बेटे है, और आप खाली कुशवाहा के नेता है, पार्टी के बोली है अश्विनी चौबे के कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, अरे पांच पांच को पार्टी लड़ेगा तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे आप, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता पॉसिबल, बहुत सुंदर की बात है, बहुत अच्छी आना चाहिए, अरे उत्तराधिकारी नीतीश कुमार कौन बनेगा, बेटे ना बनेगा, तो बनना चाहिए, मेरा क्या तकलीफ है, कहां से काम पहुंचा दिया, उसके बाद रात को हॉस्पिटल में भी जाते थे, आज बिहार के दो उप सीएम है, कुछ काम नहीं, हमने क्या वादा किया था कि जब हम बिहार में सीएम बनेंगे पहला कैबिनेट में पहला बैठक में पहला कलम से लोगों को 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे, क्या उन्होंने 10 लाख नौकरी दिया, आप रुक जाइए, आप देखिए हो गया हो गया, लेकिन यही भाई को मतलब तेजस्वी यादव वादा किया था सीएम बनने पर तो सीएम नहीं बना, यही तो बड़ी बात है जी कि उप सीएम रह के वो नौकरी दे दी, और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जीवन में हुआ ही नहीं हमारे जीवन में, ईमानदार छवि के लोग हैं, अपना बेटा को दे रहे हैं सत्ता, मीडिया चैनल बिहार के युवा भाई जिनको नौकरी नहीं लगा था सब बोला था तेजस्वी यादव तुम्हारा सरकार बन गया 10 लाख नौकरी कब दोगे कब दोगे कब दोगे, आज जब तेजस्वी यादव नौकरी दे दिया नीतीश कुमार पलटी मार दिया तो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार तोरा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है पट्टा जंक्शन पे है, बिहार में 25 में चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले एक नाम जो है वो बड़ा सुर्खियों में, नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, पैसे से इंजीनियर निशांत हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, राजनीति से दूर रहे, लेकिन बहुत चर्चा में है कि वो जो है विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आइए हमारी जनता है उनसे पूछेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार चर्चा में है कि वो राजनीति में आने वाले हैं, क्यों ना आए, बाप का उतरा उधाकड़ी है, समझे, आप देखिए सबसे पहले इसको ले लीजिए तेजस्वी यादव को ले लीजिए, अपने बेटे को आगे लाया ना लालू जी, अपने बेटे को आगे लाया ना तेजस्वी यादव, अपने पिता का कमान संभाला ना, आरजेडी की बागडोर संभाल रहे हैं ना, वहीं चिराग जी को देख लीजिए, चिराग जी भी संभाल रहे हैं, तो निशांत में क्या दिक्कत है, लेकिन नीतीश कुमार ये कह के गए थे ना कि हम परिवारवाद के साथ नहीं है, इनकार करके गए थे, मैम आप लोग परिवारवाद में मतलब समझ नहीं रहे हैं, परिवारवाद मतलब ये नहीं हुआ कि अपना पार्टी बनाया वो अपने बेटे को दे रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं हुआ, परिवारवाद लालू जी भी अपने बेटे को ही दे रहे थे, तो सुनिए ना लालू जी अपने बेटे को दिए थे, ये नहीं हुआ ना कि उसी परिवार से बेटी सांसद हो जाए, दूसरी बेटी सांसद हो जाए, सब सांसद हो जाए, अपने मुख्यमंत्री हो जाए, बेटा डिप्टी सीएम हो जाए, बेटा सीएम हो जाए, समझे, ये परिवारवाद हुआ, ये परिवारवाद नहीं हुआ कि पार्टी की कमान संभाले, ये परिवारवाद नहीं हुआ, परिवारवाद जो कहते हैं जो एक पार्टी से 5 भाई निकल के चुनाव लड़े वो परिवारवाद हुआ, जेडीयू से एक आ रहा निशांत कुमार कमान संभालने के लिए, ये परिवारवाद नहीं कहलाता है, अगर परिवारवाद कहलाता तो चिराग जी नहीं आते, एक ही बेटे हैं तो एक ही ना जाएंगे, बिल्कुल एक बेटे हैं उनका पार्टी संभालने के लिए कौन आएगा, कौन संभालेगा, परिवारवाद ये नहीं हुआ कि रोहिणी आचार्या को भी टिकट दे दो, अमीषा भारती को भी टिकट दे दो, क्योंकि अमीषा भारती राज्यसभा से बनी हुई थी तो अभी इनको टिकट मिल गया, परिवारवाद ये हुआ, ये नहीं कि निशांत कुमार का परिवारवाद नहीं है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री उनके बेटे आ रहे हैं राजनीति में, हाँ ये बहुत नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जीवन में हुआ ही नहीं हमारे जीवन में, ईमानदार छवि के लोग हैं, अपना बेटा को दे रहे हैं सत्ता, और फिर अगले बार 25 में गठबंधन लड़ेंगे, तीनों मिलके एक नंबर है, कभी नहीं टूटेगा तीनों का, बेटे ने लेकिन बार बार कहा है कि हमको राजनीति पसंद नहीं है, दूर रहते हैं राजनीति से, तो जनता चाहेगा तो आ जाएगा, जनता चाहेंगे, हाँ नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि आ जाए, जनता नहीं चाह रहा है, युवा चाह रहा है, युवा चाह रहा है, निशांत कुमार है पढ़ा लिखा चेहरा है, गांव की कमी हो गई, चिराग पासवान पहले से लाइन पे है, तेजस्वी यादव चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, हाँ क्रिकेट में फैली हो गए हैं, राजनीतिक में फैली हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव को युवाओं की बात कहाँ कर रहे हैं, फेल हो गए हैं 17 महीने में, उतने सफल रहे लोग कहना है कि 17 महीने में उन्होंने इतना नौकरी दिया कि युवा जो है उन्हीं को चाहता है, मतलब तेजस्वी यादव सीएम थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सीएम थे, नौकरी देना एक सीएम का काम होता है, डिप्टी सीएम का काम नहीं होता, विभाग भी नीतीश कुमार का, समझे, तो यहाँ से कहाँ से दिए ये आपका नौकरी तेजस्वी जी, विभाग किनके पास था, देखिए मैडम भैया को बोलेंगे बीच में नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं, भैया बोले हैं कि नीतीश कुमार नौकरी दिए है, पहली बात तो जब तेजस्वी यादव 20 में नौकरी का वादा किए थे तो वही नीतीश कुमार बोले थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, पहला पॉइंट, दूसरी पॉइंट नीतीश और बीजेपी की सरकार बन गई, 2 साल में कोई वैकेंसी है या नौकरी नहीं मिली, जब नीतीश जी
पलटी मार के तेजस्वी के पास गए थे, तो आज जो पगड़ी बांध के जो घूमते थे सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, देश के मीडिया चैनल, बिहार के युवा भाई जिनको नौकरी नहीं लगा था, सब बोल रहे थे तेजस्वी यादव तुम्हारा सरकार बन गया, 10 लाख नौकरी कब दोगे कब दोगे कब दोगे। आज जब तेजस्वी यादव नौकरी दे दिया, नीतीश कुमार पलटी मार दिया, तो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार तोरा मुख्यमंत्री से ना मांगते भाई, तेजस्वी यादव से क्यों मांगा। हम इन्हीं भाई से पूछना चाहेंगे, कैमरा के सामने जब हम इनसे कुछ मांगेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो हम इनका नाम लेंगे कि उनका नाम लेंगे, बता ये बोलने। अब हम बोलने, हाँ बोलिए। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या वादा किया था कि जब हम बिहार में सीएम बनेंगे, पहला कैबिनेट में, पहला बैठक में, पहला कलम से लोगों को 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे। क्या उन्होंने 10 लाख नौकरी दिया? आप रुक जाइए, आप देखिए हो गया, हो गया, देख लिया। लेकिन यही भाई को मतलब तेजस्वी यादव वादा किया था सीएम बनने पर, तो सीएम नहीं बना। यही तो बड़ी बात है जी कि उप सीएम रह के वो नौकरी दे दिया। एक हमारे बिहार के उप सीएम जो था वो कई विभाग का मंत्री था, जो आज टूरिज्म विभाग बिहार में थप पड़ा था, उसी के राज में टूरिज्म, आप जाइए हेलीकॉप्टर सर्विस मिल रहा है, मेन ड्राइव पे बोट ला दिया है, टूरिज्म विभाग में कहाँ से काम पहुँचा दिया, उसके बाद रात को हॉस्पिटल में भी जाते थे। आज बिहार के 2 उप सीएम है, कुछ काम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं बिहार मेरिन ड्राइव पे दिला दिए, मेरिन ड्राइव कौन बनाया? नीतीश कुमार बनाया, तेजस्वी से पहले बना है। हम बोल रहे हैं अच्छी बात है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे, इसमें हमें कोई गलत नहीं है, बस गलत इस बात से लगता है कि यार इसको परिवारवाद नहीं बोलोगे। जब जो तुम हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत अच्छा, हमें खुशी हुआ होता है किसी का पांच। आप बताइए, अब सच्चाई ये है कि नीतीश जी के पास एक है ना, नीतीश जी के पास बीवी है अभी, ना नीतीश जी के पास बेटा है, ना नीतीश जी के पास दूसरा बेटा है। नहीं, हम मजबूरन में बोल रहे हैं क्योंकि बोला थी कि एक परिवार 5-5 आदमी को टिकट दे रहा है, तो उसके पास 5 है, आपके पास 1 है। तो आप सुनिए, अगर मैं अपने बाप का 4 भाई हूँ, मैं अपने बाप का 4 भाई हूँ, तो मैं चारों भाई नहीं हिस्सा लूंगा, एक ही भाई हिस्सा लूंगा, लेकिन जिस बाप का एक ही बेटा है तो एक ही ना लेगा। तेजस्वी यादव कितने भाई थे? 2 भाई, हाँ कहे 4 भाई, तेजस्वी यादव 2 भाई थे। अरे हम अपना तेज प्रताप, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, समझे? तो उन्होंने देखिए लालू जी अपने जीवन में दोनों को तो मंत्री पद बना ही दिए। अब बताइए मीसा भारती राज्यसभा से थी, इनको पाटलिपुत्र से लड़ा दिया गया। अब बताइए रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है, उनको उतार दिया गया। ये क्या है भाई, सारण से ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है, ये बिल्कुल परिवारवाद है। ये कौन है? अपनी बहन को ले, अरे हमारी बहन अच्छी अब कर रही है, अच्छी बात है। जो पाटलिपुत्र सीट से जो बनी है मीसा भारती, उसका राज्यसभा सीट खाली है, अब उस सीट पर कोई पार्टी का नेता नहीं जाएगा, रोहिणी आचार्य जाएगी, बस जाएगी, अच्छी बात है। दिलचस्पी है, बहुत सक्रिय रहती है राजनीति में, राजनीति में जिस दिलचस्पी है, तो आप अपनी पार्टी कब से रह रही है, कब से रह रही है? और कोई नहीं है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएं, हाँ। लोगों के अधिकार की बात करते हैं, हाँ। तो काहे नहीं दे दिए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम? हाँ, काहे नहीं दे दिए थे? हाँ, काहे नहीं? डिप्टी सीएम 20% था, हाँ। काहे नहीं दिए डिप्टी सीएम? हाँ, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो अपना अधिकार आप देते ना अब्दुल बारी सिद्दीकी को, डिप्टी सीएम बनाते ना? आप तो कहते ना सब कुछ हम ही रखेंगे अपने पास, हाँ खाली वोटवा लेंगे आपका, खाली देंगे पार्टी तोड़ के चले जाएंगे तो कोई दिक्कत है? एक बात बताइए, कहते हैं कि हम यादव का नेता है, यहाँ यादव बोला तेजस्वी यादव यादव का नेता है, लोग सुनिए पहले, सुनिए, अरे सुनो यार, सुनो पहले, सुनो सुनिए, सुनो ना, अरे सुनो यार, तुम जाति वाद भड़काते हो, सुनो भाई, तुम्हारा नेता ठाकुर मुस्लिम करता है, सुनिए, सुनेंगे नहीं, एक इसका नेता है जो ठाकुर मुस्लिम करता है, सुन के हमारे सम्मानित नेता लेता ऐसा बात बोलूंगा कान से खून निकल जाएगा उनको, दिव्यचंद ठाकुर जी को, यादव मुस्लिम करता है, हमारे नेता कभी यादव के लिए बोला? एक सम्राट चौधरी उप सीएम बनते हुए कुशवाहा के बेटा को कोई हाथ लगा दिया तो मैं उखा, कुशवाहा में बेटी नहीं है, खाली बेटे है, और आप खाली कुशवाहा के नेता है, ये लोग जाति वाद करते हैं। एम वाई समीकरण, एम मतलब क्या होता है? एम भाई क्या हो? एम मतलब क्या होता है? एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव। सुना नहीं पहले, माय बाप बहुजन सब, आप सब आदमी। अरे कब जब सत्ता से बाहर होने लगा तब? नहीं, एम वाई का समीकरण आप कर मोदी जी बोलते बाहर होने लगा तब। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, आ रहे हैं राजनीति में, अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आएंगे। बहुत सुंदर की बात है, बहुत अच्छी, आना चाहिए। अरे उत्तराधिकारी नीतीश कुमार कौन बनेगा? बेटे ना बनेगा, तो बनना चाहिए, मेरा क्या तकलीफ है? यहाँ 3 युवा चला जाएगा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए राजनीति में। हाँ, क्या बोलिएगा, युवा है आप, बता सकते हैं? जब चाचा ने ये बात बोली कि आना चाहिए, उत्तराधिकारी हैं, तो चाचा कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के सपोर्टर हैं, तो इन्होंने जिस हिसाब से बोला कि निशांत कुमार, फिर निशांत कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनसे ये पूछिए।
चलो आपने, चलो उन्होंने अपनी राय बता दी, आपको क्या लगता है? देखिए अच्छी बात है, राजनीति में युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए। पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। राजनीति में परिदृश्य भी बदलता है जब पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो सोच भी बदलती है, विजन भी बदलता है, और लोग काम करने वाले लोग आएंगे राजनीति में, तो राजनीति में बहुत सुधार भी होगा कई हद तक, जो बीते वर्षों में, बीते कई सालों में काम नहीं हुआ जो देश में प्रदेश में, वो काम होगा। ठीक है, उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे, 18 वर्षों से बिहार की कमान संभाल रहे हैं। ठीक है, 18 वर्षों से कमान संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वही नेतृत्व क्षमता होगी, तभी शायद उनके पिताजी इनको राजनीति में लेके आ रहे हैं। इन 18 सालों में नीतीश कुमार ने कहीं कोशिश नहीं की कि उनके बेटे जो है आए, बेटे भी हमेशा इनकार करते रहे, कहीं नहीं हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन 25 का चुनाव आने वाला है, इस वक्त पे आना क्या कहिए? देखिए 25 का चुनाव है और चुनाव 1.5 साल का समय रह चुका है, 1.5 साल का समय है अभी। ठीक है, 1.5 साल राजनीति के हिसाब से बहुत कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, कम इसलिए है कि चुनाव 2 साल पहले 1.5 साल पहले कैंडिडेट लग जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है इंटरनली कि आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सीएम फेस की बात है तो निशांत कुमार को सीएम फेस लॉन्च किया जाएगा और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। आज भी एक टफ कॉम्पिटिशन लगा, जैसे कि जदयू लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीट लाई है 12 सीट बिहार में, तो कह सकते हैं टफ कॉम्पिटिशन। देखिए राजनीति की बात की जाए, यहाँ पे 2025 का जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, इसलिए प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ उतर रहे हैं। ठीक है, इधर क्या नाम है, चिराग पासवान भी अपने, अगर इनकी वो गठबंधन नहीं में सीट नहीं मिलेगी तो ये भी अलग लड़ लेंगे, जैसे पिछली बार लड़े थे, आपको याद ही होगा। ठीक है, इधर से तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार अलग हैं, तो 4-5 लोग समझ रहे हैं, तो मिक्सअप हो जाएगा, तो समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोल ये हैं अश्विनी चौबे के कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अरे 5-5 को पार्टी लड़ेगा तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे आप? कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, पॉसिबल। बिहार में से कोई कौन सी पार्टी है लगता है जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है? कोई नहीं बना पाएगा, नहीं नहीं, लेकिन लगभग उम्मीद के आंकड़ा छू दिया गया है, समझे? नीतीश कुमार गठबंधन की छुए हैं 115 सीट। अरे अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात, अभी की परिपेक्ष, अभी नहीं हुआ है, समझे? अभी नहीं हुआ है, गठबंधन करना जरूरी है। देखिए गठबंधन, जो व्यक्ति, जो पार्टी अगर गठबंधन में 2025 का चुनाव नहीं लड़ेगी, वो समझ लीजिए कि मायावती वाली स्थिति हो जाएगी। मायावती की स्थिति देखी ना, वोट कटुआ वाला काम हो जाएगा, जैसे चिराग पासवान 2020 में किए थे वोट काटने वाला काम, वो ठीक वैसी स्थिति हो जाएगी। अगर अकेले चिराग पासवान लड़ेंगे इस बार 2025 का चुनाव, तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी, हम जीतेंगे ना आप जीतेंगे, सबको डुबा ले जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो हमारे बीच जनता है, जनता का कहना है कि क्यों नहीं, निशांत कुमार बिल्कुल राजनीति में आ सकते हैं, उनको आना चाहिए, उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। हालांकि बात करें निशांत कुमार की, तो उनसे जब भी पूछा गया है राजनीति को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और पेशे से इंजीनियर है, अच्छे हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, और आएंगे तो किस पद के लिए लड़ेंगे? हमें कमेंट पर लिख के जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।